कि यू शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की क्या कारण था कि कसाब आ गया 10 आदमियों को लेकर। पंक्ति पढ़ता हूं, अगर हमारे हिंदुस्तान ने वो काम किया होता जो मैं कहने वाला हूं, तब मैं चाहता हूं कि आप लोग उस समर्थन के हस्ताक्षर अपनी तालियों के रूप में करें कि यू शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की, कि यू शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की, यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। याद आते बहुत अच्छे जिंदाबाद फिर भारत आने की किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। एक प्रश्न पूछता हूं कि क्यों हम लोग अपने आतंकवादियों को अपना आका समझ करके जेलों में रखते हैं। 2007 में अफजल गुरु को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, 2013 में आपने शायद इसलिए लटका दिया क्योंकि अभी भी आप ना लटकाते तो 2014 में ये जनता आपको लटका सकती थी। पंक्ति पढ़ता हूं, कटु हो सकती है एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं। स्वागत भैया। कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत, भारत माँ का तन घायल है जिनके पहने दांतों से, उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। याद आते हैं बहुत किस नीति के अंतर्गत। ऐसा नाम लेना चाहता हूँ जो आज शायद हिंदुस्तान की मांग है। मैं नहीं जानता कि आप लोग कौन से दल या कौन से बड़ी पार्टी को समर्थन करते हैं, लेकिन मैं एक नाम लेता हूं भारत माता के बेटे का, और मैं जानता हूं कि आज केवल केवल और केवल उसकी आवश्यकता है जिसका मैं नाम लेना चाहता हूं। अगर आप तक बात पहुंच जाए और आपके मन में भी वो नाम हो तो मैं चाहता हूं कि समर्थन का वो हुंकार आगे से पीछे तक तालियों का रूप लेकर के मुझ तक आए, ताकि मुझे ये महसूस हो कि कुंभराज के दरबार में आकर मैंने सच कहने की हिम्मत की कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले कटवा देना। लोग कहते हैं सौरभ तुम जैन हो, जैन होकर कैसी हिंसक बातें करते हो, शोभा नहीं देती। तुम्हें तो आकर के भगवान महावीर की अहिंसा के गुणगान गाने चाहिए, शांति की बात करनी चाहिए। तब मैं जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बात कहने की हिम्मत रखता हूं कि जैन समाज अहिंसक है, लेकिन क्षमा चाहता हूं जैन समाज नपुंसक नहीं। क्या बात है। पंक्ति पढ़ता हूं, एक एक व्यक्ति की चेतना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कफू को बटवा देना। मैं कहता हूं एक बार बस दिल्ली दे दो मोदी को, आतंकवाद यदि बच जाए जिंदाबाद। बहुत अच्छे भैया,